हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो अपने पेपर सेकंड है उसके जो रियल एनालिसिस का जो पार्ट है उसमें अपन आज पढ़ते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। कोई भी बिंदु होता है उसका प्रतिवेश, नेबर होता है ना प्रतिवेश, पड़ोसी जिसको बोलते हैं। तो ये कोई सेट दिया हुआ होगा है, और वो सेट है इसका सबसेट है आर का। आर क्या है? रियल नंबर का। इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए। तो वो जो सेट है एन, वो पॉइंट ए का क्या कहलाता है? नेबरहुड कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट, यदि उसके अंदर क्या एग्जिस्ट हो, एन ओपन इंटरवेल आई। ओपन इंटरवेल को अपन इंटरवेल को क्या लिखे? आई। तो उसके अंदर, इसके अंदर जो सेट है उसके अंदर ये क्या हो? ओपन इंटरवेल हो, खुला अंतराल हो। कंटेनिंग ए, तो वो जो इंटरवेल है वो क्या कंटेन करता है? ए, यानी जो बिंदु ए दिया हुआ है उसको भी क्या करता है? कंटेन करता है। एंड कंटेन इन सी, और जो खुद जो ओपन इंटरवेल आई है वो खुद किस में कंटेन होगा? इन एन, और एन में कंटेन होगा खुद। जैसे मैं बिंदु ए है, इसका प्रतिवेश निकालना है, तो ए किसके अंदर होगा? आई के अंदर, और आई खुद किसके अंदर होगा? एन। तो ये जो एन है ये बिंदु ए का क्या कहलाता है? नेबरहुड कहलाता है, प्रतिवेश कहलाता है। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई एक इंटरवेल है ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, ये ओपन इंटरवेल है, ये ओपन इंटरवेल किस में है? एन में है, तो ये एन में होगा, कंटेनिंग एन, वेयर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस पॉइंट का हमें प्रतिवेश निकालना है, तो ओपन इंटरवेल कैसे निकालेंगे? एक जो बिंदु है उसके लेफ्ट और राइट ये दोनों लेंगे, और डेल्टा कुछ भी डेल्टा के लिए, तो हमें एक इंटरवेल मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंटरवेल मिल सकते हैं, और वो इंटरवेल वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? डेल्टा के ऊपर। तो डेल्टा किस प्रकार हमें लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो इंटरवेल आएगा वो इंटरवेल किसमें होना चाहिए? एन में होना चाहिए। इसको किससे लिखते हैं? एन ए से लिखते हैं। इसको अपन इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ये देखिए एक रियल नंबर का सेट है, तो मैं एक रियल लाइन बनाता हूँ। आर लाइन, रियल लाइन पे समझते हैं, ये रियल लाइन है। कहने का मतलब है इस लाइन में रियल नंबर है। अब मैं एक सबसेट लेता हूँ इसका एन, ये एक सबसेट है, और एन इसमें एन सबसेट आर आर है। अब मुझे ए का एक प्रतिवेश लेना है, नेबरहुड लेना है ए। अब मैं क्या करता हूँ, ए के आसपास डेल्टा, तो डेल्टा के लिए अलग अलग डेल्टा के लिए क्या करता हूँ? एक ओपन इंटरवेल, जैसे बहुत सारे ओपन इंटरवेल बनेंगे। देखो इसको अपन क्या लेते हैं, आई, तो आई किस में है? इस एन में है। आई किस में है? एन में। और ए है वो भी किस में है? आई में है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जितने भी इंटरवेल हो रहे हैं या अलग अलग डेल्टा के लिए, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो वो इंटरवेल मिल रहा है, वो इंटरवेल क्या कर रहा है? ए को भी ले रहा है, और इंटरवेल खुद किस में कंटेन है? एन में है। तो ये जो एन है ये एन क्या कहलाएगा? बिंदु ए का क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और एग्जांपल लेंगे नेबरहुड के, जिसमें हम चेक करेंगे कि नेबरहुड को कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको बिंदु दिया हो, एक सेट दिया हुआ होगा, उस सेट के लिए हम चेक करेंगे। थैंक यू।